आपको देसी मुर्गी जिसका नाम है सोनाली क्रो टाइप दिखाई देगा और इसका नाम है कड़कनाथ। तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है वो है ब्रूडिंग बॉक्स। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी हमें पटना से 25 किलोमीटर दूर हीरानंदपुर में, जहां पर हम आपको दिखाने लाए हैं पोल्ट्री फार्म, जहां पर अलग अलग किस्म के आपको मुर्गियां मिलेंगी और बटेर जो आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव आता है, उसे हम आपको दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि नॉर्मली हम इसको खाना जानते हैं, हम इसको एक आध हमें दुकान पर दिखाई दे देता है, बट इतने बड़े एक स्तर पर जहाँ पर फार्मिंग होती हो वो शायद आप नहीं देखे होंगे। तो उसके लिए हम आपको यहाँ पर लेके आए। स्टार्टिंग करते हैं मेरे शुरुआत से कि यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये सारा जो है आपको देसी मुर्गी जिसका नाम है सोनाली, ये सोनाली आप प्रजाति बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है। आराम से आप 400 से 500 रुपए किलो इसको बेचा जाता है। और आ गया थे तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो 500 मुर्गियाँ हैं वहाँ पर। उसके बगल में भी आपको एक लोकेशन स्पेस दिख रहा होगा जिसमें उसमें भी 500 मुर्गियाँ हैं। अब आते हैं ये काले वाले पे। आपको बड़ा ये देख के आश्चर्य होगा कि ये थोड़े से डिफरेंट दिखाई दे रहे होंगे। इसका नाम है कड़कनाथ। अगर आप इसको नज़दीक से देखिएगा तो ये बिल्कुल ही काला है, क्रो टाइप दिखाई देगा और इसका नाम है कड़कनाथ। और इसकी स्पेशलिटी बता दूँ तो ये प्रोटीन, हाईली प्रोटीन अपने आप में रखता है, और स्पेशली जो लोग कैंसर के पेशेंट्स होते हैं या फिर जिनको टीवी हुआ रहता है, ऐसे लोगों के लिए ये मतलब वरदान है एक तरीके से। अगर आप ले जाते हैं तो अगर आप खाते हैं उसको तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। फिर आते हैं बटेर के बारे में, हम बात करते हैं। बटेर बहुत महंगा भी है और हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा, और ठंडी में इसका डिमांड हाई मतलब पीक पे रहता है। तो अगर बटेर के बारे में बात करें तो इस सेक्शन में आपको बटेर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। देख सकते हैं यहाँ पर बच्चा जो है वो मेरे हाथ में है, और 30 दिन में ये जो बटेर है वो रेडी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं, एक महीने का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस सेक्शन में अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हो तो एक महीने का ये जो है पूरा प्रोसीजर है वो है। तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है वो है ब्रूडिंग बॉक्स, और इसके अंदर ब्रूडिंग की जा रही है, ब्रूडर बॉक्स है और ब्रूडिंग की जा रही है इसके अंदर में। और इसके आप अंडे होते हैं उसको 3 दिन के बाद उसे हैचर में डालते हैं, और फिर वहाँ से ये लोग आते हैं, और फिर इनको एक महीने का टाइम लगता है 30 डेज़ का, जिसमें आप ये बिकने लायक हो जाते हैं। इसके 3 सेक्शंस बने हुए हैं, आपको यहाँ उस तरफ और यहाँ पर 500 से 700 के बीच में एक में आपको स्पेस में दिखाई देगा, और तीन यहाँ पर, तीनों को मिला के 2 से 2500 जो हैं वो बटेर यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये था बटेर का सेक्शन, और आपको यहाँ मेरे नीचे दिखाई दिया कड़कनाथ जो कि काले, और कहा ऐसा जाता है कि इनका मांस जो है वो भी काला होता है और इसका बॉडी भी काला है, और साथ में खून का जो कलर होता है वो काफ़ी डार्क होता है, जो कुछ लोगों का कहना था यहाँ पे कि वो भी काला होता है, बट होता नहीं है, थोड़ा सा वो डार्क शेड में होता है, इसलिए इसको ऐसा बोला जा रहा था। इसके आगे आपको दिखाई दिए यहाँ पर जो भी सोनाली के बारे में बताया, और साथ में वो भैया ने लिया हुआ एक झाड़ने के लिए एक लकड़ी में कुछ बांधा हुआ है। तो उसका रीज़न ये है कि जब इनको उससे हिट किया जाए तो उनको चोट ना लगे, और उनको भगाने का रीज़न ये है कि जब वो एक जगह रहते हैं तो एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, और चढ़ने की वजह से हो सकता है कि कुछ जो मुर्गियाँ हैं वो मर जाती हैं। बस उनको बचाव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और आराम से उनको हटाया जाता है ताकि वो स्पेस बना के यहाँ पे बैठे रहें और कोई दिक्कत ना हो। खाने पीने का जो भी ये सामान है वो काफ़ी ढंग का रखा जाता है यहाँ पर, उनके सारे चीज़ें रखी गई हैं, वहाँ पानी भरा जा रहा था कि पानी भी पी सके ये लोग, और साथ में खाद वगैरह भी वहाँ पर, खाद नहीं, इनका जो दाना आता है वो दिया जाता है। इनकी मदर्स के लिए थोड़ा सा बड़ा होता है और बच्चों के लिए छोटा छोटा जो होता है वो आता है। साथ में इनको रखने के लिए, कहीं ले जाने के लिए ऐसे डब्बों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम किसी डॉग को ख़रीदते हैं तो वहाँ पे बास्केट मिलता है, वैसे ही मुर्गियों को ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेफली पहुँच जाए, और होल भी दिया हुआ है ताकि ऑक्सीजन इनको मिलता रहे और दम ना घुटे। साथ में हमने जो आपको बटेर दिखाया था उसके अंडों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है, ये जो है वो 3 डेज़ के लिए यहाँ पर रखा जा सकता है। इसके बाद इसको हैचर में भेजते हैं ताकि ये फिर बाद में वो जो छोटे आपने देखे बटेर वो फिर निकल के वहाँ से आती हैं। साथ में दाने रखे हुए हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छे क्वालिटी के दाने का इस्तेमाल किया जाता है खिलाने के लिए, जिसका नाम है वेंकीज़ नाम है। अगर आप इस क्वालिटी के दाने को खिलाते हैं तो काफ़ी बेटर होगा आपके भी पोल्ट्री फार्म के लिए और जितने भी। तो ये रहा उनके अंडे का स्टोर रूम, कह सकते हैं आप स्टोर रूम था।